हमें क्या देते हैं? कहा सदगुरुदेव के चरण सदगति और सदमति। जब सदगुरुदेव के चरणों का आश्रय ग्रहण होता है तो उनके चरणों में मस्तिष्क रखने पर सबसे पहले सदगति मिलती है और सदमति मिलती है। सदमति और सदगति क्या? हम अपने सिर को ले जाकर के उनके चरणों में अर्पित कर देते हैं। अपना सिर क्या है? सिर अभिमान का प्रतीक है। अभिमानी हमेशा खुला रहता है, उसका मस्तिष्क कभी नीचे नहीं होता, ऊपर उठा रहता है। अपने अभिमान को गुरु के चरणों में निछावर जब हम कर देते हैं तो हमारे इस मस्तिष्क में जो विवेक नहीं है, अविवेक उत्पन्न होने के कारण अभिमान से जो हम भूल गए हैं, वो अभिमान गुरु के चरणों में अर्पित करते ही सदमति का आगमन होता है, बुद्धि विवेक जागृत होती है और हम विनम्र बन जाते हैं। जीवन में पात्रता आती है, विनम्रता आती है तो आगे फिर हमारे लिए मार्ग प्रशस्त हो जाता है। तो गुरु के चरणों में मस्तिष्क रखने का फल यह है कि जो गुरु के दो चरण हैं, प्रथम चरण आपको विनम्रता देते हैं, प्रथम चरण आपको सदमति देंगे और द्वितीय चरण आपको सदगति। सदगति क्या? सदगति का अर्थ है पाप का क्षय। जीवन में हमसे बहुत अपराध, बहुत पाप बनते हैं, और पाप से मुक्त होने के लिए गुरु के चरणों में जब हम जाते हैं तो हम पाप मुक्त हो जाते हैं। और प्रश्न ये उठता है, पाप मुक्त कैसे हो जाएंगे हम? क्या गुरु के चरण में अपने मस्तिष्क को रखने पर हम पाप मुक्त हो जाएंगे? हाँ हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? जब गवे दीन दयालु राघव साधु संगति पाइए, दर्श वर्ष समागम जब द्रवे दीन दयालु राघव साधु संगति पाए, दर्श परस समागमादिक पापराशिन साई। जब गुरुदेव का शंभ हो पाप राशि नसाइए। अच्छा, पापों का क्षय कैसे हुआ? ठीक है, शास्त्र ने प्रमाण कर दिया कि जब गुरुदेव के चरणों में पहुंचने पर पापों का क्षय हो जाता है, पर कैसे होगा पापों का क्षय? तो गीता में भगवान ने कहा, ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणि भस्मसाकुरुते तथा। अर्थात जब गुरुदेव के चरणों का आश्रय होगा, गुरुदेव के चरण में बैठेंगे तो गुरुदेव कुछ बोलेंगे, ज्ञान अग्नि ज्ञान प्रदान करेंगे, और ज्ञान में अग्नि है। ज्ञान एक प्रकार की अग्नि है, जैसे अग्नि में हम कोई पदार्थ डाल देते हैं, अग्नि उसको भस्म की साफ कर देती है। इसी प्रकार जब सदगुरुदेव अपने अमृत वचनों का प्रवाह करते हैं, ज्ञान हमें प्रदान करते हैं, तो ज्ञान भस्म सार जितने भी पाप हैं, सारे पाप भस्मीभूत हो जाते हैं, जल करके राख हो जाते हैं। इसलिए तुलसी बाबा ने कहा कि नहीं पाएंगे, कोई भरोसा नहीं। तीर्थराज की अलग महिमा है,
प्रयाग की अलग महिमा, वृंदावन की अलग महिमा, हनुमान की अलग महिमा, ऋषिकेश की अलग महिमा, पर सभी तीर्थों को अगर एक ही में दर्शन करना हो तो कहां करेंगे? सदगुरुदेव के चरणों में। तो आप सदगुरुदेव के चरणों का वंदन करते हैं तो समस्त तीर्थ वहां विराजमान है, आपको मुक्ति प्रदान करेंगे। जैसे हम तीर्थों में जाने पर अपने आप को मानते हैं कि मुक्त हो जाएंगे, ऐसे ही सबसे बड़ा तीर्थ है सदगुरु का विग्रह है। आप सदगुरुदेव के द्वार पर जाते हैं, सदगुरु का वंदन करते हैं तो वहां तीर्थ विराजमान है, आपको पवित्र कर देते हैं। और हमें देखिए कितनी सुलभता है, तीर्थ को बुलाएं तो तीर्थ नहीं आ सकते, तीर्थ को आप कहें कि वृंदावन धाम आप मेरे घर में आइए, ये प्रयागराज आप मेरे घर में आइए, नहीं आएंगे। पर सदगुरुदेव को आप घर में ला सकते हैं, तीर्थों का संगम जो है उस संगम को आप अपने घर में ला सकते हैं और अपने घर को ही आप महातीर्थ बना सकते हैं। तो सदगुरुदेव के चरणों की महिमा क्या है? सदगति और सदमति। गुरुदेव के चरणों का आश्रय लेने पर सबसे पहले जीवन में विनम्रता आती है, और जब विनम्रता आती है पात्रता आती है, और पात्रता धर्म तथा सुखम। तो जीवन में सुख का आगमन गुरुदेव की शरणागति से ही प्राप्त होता है। तो सदगुरुदेव के चरणों की महिमा यह कि हमें मुक्ति का साधन है सदगुरुदेव के चरण कमल। इसीलिए सदगुरुदेव की हम वंदन करते हैं, श्री सदगुरुदेव भगवान की। आइए सदगुरुदेव के नेत्रों की ओर दृष्टि करें। सदगुरुदेव के नेत्र क्या बोलते हैं? हम अपने आंखें बहुत कमाल करती है, बाकी बिहारी की देख छटा मेरे मन है गयो लटापटा। तो बाकी बिहारी को देखने पर तो मन लटापटा हो जाता है, पर सदगुरुदेव को देखने पर मन क्या होता है? सदगुरुदेव का दर्शन करने पर सदगुरु बिहारी जी अगर आपको देख ले या आप बिहारी जी को देख ले तो हो गया, फिर काम हो गया, फिर तो सब छूट जाएगा। पर सदगुरुदेव की दृष्टि आपके ऊपर हो जाए तो सदगुरुदेव की दृष्टि क्या काम करती है, क्या कमाल करती है? कहा ज्ञान वैराग्य। सदगुरुदेव के नेत्रों से ज्ञान वैराग्य का झरना झरता है, ज्ञान वैराग्य का झरना झरता है। कैसे? देखिए जब सदगुरुदेव प्रसन्न होते हैं, जब आपने देखा होगा और जो गांव में रहे हैं जिन्होंने यह कर्म किया है उनको अनुभव भी है कि जब गाय को दुखना हो, गाय से हमें दूध चाहिए, तो उससे पहले क्या किया जाता है? उसके बछड़े को ले जाकर के गाय के पास में रख दिया जाता है और बछड़े को स्नेह करती है, बछड़ा अपनी माँ का स्तनपान करता है। जब बछड़ा तृप्त हो जाता है उसके बाद में माँ का वात्सल्य जागता है तो उसके अंतःकरण में अंदर जितना भी दुग्ध है वो दे देती है। आप बछड़े को पहले नहीं छोड़ेंगे तो अपने दूध ऊपर निकलेगी, दूध नहीं देगी, छिपा लेगी, अमृत को छिपा लेगी। पर बछड़े को पहले रख देंगे तो बछड़े को पहले रख देने से क्या होगा? परिपूर्ण हो जाती है, फिर आप मुझे अमृत देगी। ऐसे ही सदगुरुदेव, जब आप किसी संत महापुरुष की कोई सदगुरुदेव का संगम आपके जीवन में हो और सदगुरुदेव प्रसन्न हो जाए, तो सदगुरुदेव जब प्रसन्न होते हैं तो सदगुरु के प्रसन्न होने से, किसी संत महापुरुष के प्रसन्न होने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान जब प्रसन्न हो जाते हैं तो सदगुरुदेव के जो नेत्रों में ज्ञान वैराग्य है, भगवत कृपा से उनके नेत्रों से ज्ञान वैराग्य नेत्रों के माध्यम से आपको मिलता है और बिना यत्न किए आपको बहुत कुछ मिल जाता है। जीवन में बहुत घटनाएं घटती है, आपने सुना भी है चरित्रों को कि कैसे कैसे संत महापुरुष हुए कि एक अक्षर पढ़ा नहीं है पर कृपा हो गई। मीरा सूर कबीरा कौन से कॉलेज में गए थे, कौन से कॉलेज की सर्टिफिकेट उनके पास में थी, पर देखिए आज उनके वचनों को ही हम आश्रय लेकर के हम मंच में बैठ करके जो है उनके वचनों पर गा गा करके अपना यश फैलाते हैं, अपनी प्रसिद्धि को मानते हैं, अपने को सौभाग्य मानते हैं। यह क्या है? यह सदगुरुदेव के नेत्रों में जो करुणा है, करुणा की जो रस बरसती है, ज्ञान वैराग्य, तो ज्ञान वैराग्य का रस टपकता है, वो हमें अपमानित कर देता है। श्री हरिदास महाराज, स्वामी हरिदास महाराज जिन्होंने श्री वृंदावन हरिलाल जी को प्रकट किया वृंदावन में, तो अकबर के राज दरबार में नवरत्नों में से एक रत्न हुए संगीत के महान आचार्य
तानसेन, तानसेन बहुत बड़े संगीतज्ञ थे, पर उनके सद्गुरुदेव हुए स्वामी हरिदास जी महाराज। स्वामी हरिदास जी महाराज की उन्होंने सेवा की और वर्तमान में ऐसा प्रसंग था, संतों के मुख से हमने ऐसा श्रवण किया कि तानसेन ने रागों का, तानसेन को रागों का ज्ञान नहीं था, उसने कोई सारे का मापा करके उसने कोई कोर्स नहीं किया, इतने वर्षों तक उसने कोई कोर्स किया हो तब जाकर के इतना बड़ा संगीतज्ञ हुआ। स्वामी हरिदास जी महाराज ने सिर्फ सा सा कहा, एक शब्द निकला उनके मुख से सा, बस उनके लिए वही पर्याप्त था और बैठ करके बस उसी को आराम में लगे, उसी की सिद्धि करने लगे। एक समय गुरुदेव भगवान के चरणों में गए, सेवा में थे, गुरुदेव की सेवा में उपस्थित थे, तो गुरुदेव ने प्रसन्न होकर के एक किसी पात्र में, एक कागज में, किसी पत्थर में प्रसाद दिया, ठाकुर जी को भोग लगा करके प्रसाद दिया कि तानसेन आप इसको पाइए। तानसेन ने प्रसाद को तो पाया, प्रसाद के साथ जो पत्थर था उस पत्थर को भी चबाया। इतना स्नेह, इतना अनुराग, इतनी श्रद्धा थी गुरुदेव के प्रति, इतनी विनम्रता थी कि गुरुदेव के सन्मुखी नेत्र सजल है और प्रसाद के साथ उस पत्थर को भी चबा गए। सदगुरुदेव ने देखा कि कितना, कितनी विनम्रता है, कितनी श्रद्धा है इसकी मेरे प्रति। सदगुरुदेव का दिल भर आया, नेत्र सजल हो गए और जैसे ही नेत्र सजल हुए, नेत्रों से एक दृष्टि करी है तानसेन के ऊपर, तानसेन बहुत प्रसन्न हुआ। सदगुरुदेव के नेत्रों में जब करुणा आई, उस करुणा दृष्टि से उसी क्षण तत्क्षण समस्त रागों का ज्ञान उनको हो गया, साधना करने की जरूरत नहीं पड़ी। सदगुरुदेव प्रसन्न हो जाए, हमारे गुरु हमसे प्रसन्न हो जाए, हमारी सेवा से प्रसन्न हो जाए, तो गुरु के नेत्रों में करुणा छा जाए, और जब करुणा छाती है, गुरु के नेत्र सदर हो जाए, प्रभु इसका कल्याण हो जाए, बस गुरु ये कह रहे इसका कल्याण हो जाए, उसका कल्याण हो गया। इसीलिए सदगुरुदेव से एक ही विनती करना, नजरों से गिरा नहाना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से गिरा भगवान श्री कृष्ण सदगुरु के रूप में हम पर आज सवार हैं। जब
भगवान श्री कृष्ण ने उपदेशामृत दिया। जब वचन कहे अर्जुन को गीता के वचन करने के उपरांत अंतिम में अर्जुन क्या करता है, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध, प्रभु आज मैं मोह के बंधन से मुक्त हो गया, मैं जिस मोह में फंसा था ये तो मेरे अपने हैं, अरे अपने ही हैं और मुझे ही मारने के खुले हुए, पर फिर भी देखो तो सही में कैसे बंधन में बंधा हुआ हो, आज इस बंधन से आपने मुक्त कर दिया। तो गुरुदेव के वचन जीवन में हम, हमारा सबसे बड़ा रोग है संशय, मोह और भ्रम, हम भ्रम में हमेशा फंसे रहते हैं, संशय में रहते हैं ईश्वर है या नहीं है, संशय है। तो सदगुरुदेव के चरणों का आश्रय ग्रहण करने पर सदगुरुदेव जो वचन कहेंगे आपसे, आपके जीवन में जो समस्या है, जो संशय है, जो मोह है, भ्रम है, उससे मुक्ति मिल जाएगी। और जीवन में जिन विकारों से हम ग्रसित हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, छोड़िए छोड़िए इनको, छोड़िए बोलते हैं, छोड़ो इनको, नहीं छूटेंगे। अरे छूटना होता तो भगवान ने बनाया क्यों था, इसके बिना तो सृष्टि संभव ही नहीं है। मां कामना नहीं करेगी संतान कैसे होंगे, मां में स्नेह नहीं होगा, मोह नहीं होगा तो उस बालक का विकास कैसे होगा, क्रोध नहीं करेगी तो जो गलत मार्ग में जा रहा है वो उससे सुरक्षा कैसे होगी। आप विचार करिए, क्या काम क्रोध मोह लोभ हमारे जीवन में ना हो, नहीं होने चाहिए, होने चाहिए, पर उसकी दिशा बदल दीजिए आप। हमारी दिशा गलत है, आग है, आग की दिशा बदल जाए तो आपके घर में सर्वनाश हो जाएगा, पर आग की दिशा सही है तो आप उससे उससे शांति प्राप्त कर सकते हैं, उससे आप जाड़े में आप कैसे आप, आपको जब गर्मी चाहिए तो आग का सहयोग मिलेगा, आपको भोजन बनाना आग चाहिए, आपको यज्ञ कार्य करना हो आपको आग चाहिए, अग्नि तत्व चाहिए, पर वही अग्नि तत्व उसकी दिशा बदल गई, घर में आग लग गया, जीवन बर्बाद हो गया। ऐसे ही जीवन में जो हमारे कामादिक जो दुर्गुण जिसे हम कहते हैं, इसकी दिशा को बदलना होता है, और दिशा को बदलने की हिम्मत, दिशा को बदलने की सामर्थ्यता हमें नहीं है, वो सदगुरुदेव में है वो सामर्थ्यता। जब सदगुरुदेव का संयोग होता है उसकी दिशा को बदल देते हैं, उसकी दिशा को बदल देते हैं। रामचरितमानस में आपने प्रसंग सुना, लक्ष्मण को बाण लगी, मेघनाथ ने शक्ति बाण से नाश किया, मूर्छित हो गए, बाद में सुषेण वैद्य को बुलाया गया। इस प्रसंग से आध्यात्मिक दृष्टिकोण हमारे लिए मिलता है, लक्ष्मण कौन है, जीवों के स्वामी है, जीव है लक्ष्मण। अच्छा मेघनाथ कौन है, मेघनाथ काम का प्रतीक है, कामना है, और काम का बाण लगा, यानी कि कामना का बाण जीव को लगा, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, फलाना चाहिए, वहां जाना है, यहाँ जाना है, ये कामना है, कामना का बाण हमको लगा हुआ है। अब मान लीजिए हम लक्ष्मण हैं और काम रूपी कामना रूपी मेघनाथ हमारे सामने खड़ा है, बार बार बाण को छोड़ रहा है, अपनी शक्ति को छोड़ रहा है, और हम काम के वशीभूत, कामनाओं के वशीभूत, कभी इधर भाग रहे हैं कभी उधर भाग रहे हैं, शांति नहीं है, अशांत का सुखम, जो अशांत सुख कहां से मिलेगा, अशांत है। तब घटना क्या घटी, तब घटना घटी हनुमान जी महाराज गए सदगुरुदेव को लेने के लिए, सुषेण वैद्य को लेने के लिए, सुषेण वैद्य आए हैं और जड़ी बूटी बना करके उसको संजीवनी अमृत पिलाया। इसका मतलब क्या, जीवन में जो हम कामनाओं से ग्रसित हैं, परेशान हैं, ऐसी स्थिति में हमें भी वो सुषेण जैसा कोई वैद्य चाहिए तो वो आए और बूटी घोट करके हमको पिला दे और हम पुनर्जीवित हो जाए। तो ये काम सदगुरुदेव करते हैं, कोई सदगुरुदेव का आगमन होगा आपके जीवन में, कोई सदगुरु आएगा, आपका संयोग होगा किसी सदगुरु से, आपके कोई सदगुरु है अपने, वो सदगुरुदेव क्या करते हैं, वो सदगुरुदेव वचनामृत कहीं से बूटी घोट के आपको नहीं पिलाएंगे, किलो ये बूटी खा लो आपका काम हो जाए। आजकल तो खैर बूटियों का काम बहुत ज्यादा चल रहा है, पर उन गुरुओं की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, सदगुरु की बात कर रहा हूँ मैं। सदगुरु आपको ज्ञान की बूटी देंगे, सदगुरु का काम है ज्ञान देना, क्योंकि ज्ञान से ही आपका विवेक जागृत होगा, विवेक जागृत होगा तो खजाना आपके अंदर है। कबीर आए संसार में सबकी गठरी लाल, कबीर आए संसार में सबकी गठरी लाल, पर गांठ खोल जाने नहीं ताते बने कंगाल। सबकी गठरी लाल है, अब बोलने नहीं आता क्या करें,
तो गुरु वो काम करता है, आपकी गठरी की गांठ खोल देगा और खजाना तो वही अपने पास ही भरा हुआ है। अरे खजाना तो मेरे पास नहीं था, मैं कहां भटक रहा था, तब आपको पता लगेगा। तो सदगुरुदेव का यहाँ प्रथम कर्तव्य बनता है। सदगुरुदेव ये काम करते हैं कि अज्ञान के अंधकार से उसको बाहर निकाल देते हैं, उनके जो वचन है वो वचन हमें कामनाओं से मुक्त कर देते हैं। कि बिनु सत्य संगन हरि कथा देहि बिनु मोहन भार, बिनु सत्य संगन हरि कथा देहि बिनु मोहन